ये छोटे कारीगर है इस दुकान के भाई। कुछ नया लेके आने वाला हूँ मैं गाइस आपके लिए, ठीक है। चलो भाई रास्ते में। ओ भाई बच गया यार, ट्रक पलट गया था। ओ भाई सीन हो जाता है अभी तो यार। वेलकम बैक अनदर वीडियो विद मी RR27। सो गाइस यार आज का व्लॉग तुम्हारा भाई स्टार्ट कर रहे हैं एक प्यारे से पेट्रोल पंप के साथ, देख सकते हो गाइस। सो गाइस यहां से अभी ये व्लॉग स्टार्ट करते हैं और आगे की तरफ निकलते हैं यार, टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते हैं। और मैं आपको बता दूं यार मैं आज इसलिए बाहर निकला हूँ, एक्चुअली लास्ट व्लॉग में जो मैं निकला था ना बाहर, मैं अपनी बाइक को ना सर्विस करवाने के लिए निकला था जैसे कि आपको पता है यार, बट दुकान बंद थी इसलिए फिर वापसी घर जाना पड़ा। लेकिन इस बार फाइनली मेरी दुकान वाले से बात हो गई है और सीधे वहीं पर जा रहे हैं, देखते सर्विस वगैरह करवाते हैं और देखते हैं गाइस क्या नया मिलता है आज हमको रोड पे। तो बने रहना ब्लॉग में आगे। और आज हमारे साथ भाई फिर से, भाई देखो बंदा आ गया है, पहचाना इस बंदे को कौन है ये? ये वही बकरा है जिसको हमने काटा था एक बार सीलमपुर की मार्केट में, किसी भाई की नई नई शादी हुई थी ना। तो गाइस भाई को एक बार सब मुबारकबाद दे दो यार, लास्ट ब्लॉग में मैं बोल नहीं पाया था, कमेंट करना भाई सब ठीक है, और भाई को मुबारकबाद दे दो नया नया बकरा बनाया भी है, ठीक है। तो गाइस टाइम को बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करते हैं और निकलते हैं ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं, सबसे पहले बने रहना, ठीक है। रनिंग ट्रैफिक में भी बाइक पर स्पीड गजब की बना रखी है बंदे ने, वरना वाले ने। तो भाई सर्विस करवाने से पहले अपन को एक काम याद आ गया है, तो हम सर्विस करवाने के लिए बाद में जाएंगे, पहले अपन वो काम निपटा लें अपना। वो काम क्या है मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअली हमारे अली भाई जो है साथ में, उसे ना स्कूटी परचेज़ करनी है एक TVS की, तो शोरूम पे गए जा रहे हैं अभी, तो कॉल आया था अभी शोरूम वालों का, तो एक बार वहीं पर जा रहे हैं और डिस्कस कर लेते हैं स्कूटी में क्या प्राइस है, कैसे क्या ऑफर्स वगैरह क्या है जो भी है। तो स्कूटी एक बार अलीम को लेनी है हमारे भाई को, तो एक बार चलते हैं स्कूटी के, तो भाई चलते हैं एक बार शोरूम पे और देखते हैं क्या क्या हमें बढ़िया चीज़ मिल सकती है स्कूटी के अंदर एक बार। तो भाई फाइनली अपन यार TVS के शोरूम पे पहुंच चुके हैं, देख सकते हो आप सभी, चेक आउट दिस गाइस, कितनी सारी बाइकें खड़ी है यार यहाँ पर TVS की, अपाची वगैरह सब है गाइस। तो चलते हैं एक बार अंदर चेक मारते हैं और आप सभी को भी दिखाते हैं क्या क्या है यहाँ पर, ठीक है। तो मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे। ओ भाई सीन हो जाता है अभी तो यार, बाइक की चाबी मैंने निकाली नहीं, ऐसे निकल रहा हूँ यार, बताओ। सो गाइस एक बार चलते हैं अंदर की तरफ और देखते हैं यार क्या क्या ऑफर्स वगैरह मिल रहे हैं हमारे भाई को यहाँ पर, देन डिस्कस करते हैं इनसे एक बार। यही बात हुई थी तेरी, चल देख ले भाई एक बार। तो भाई यार सारा स्कूटी वगैरह हमने चेक कर लिया है, सही लगी हमने स्कूटी या TVS की, जुपिटर हमने देखी है वहाँ पर ग्रे कलर में, और अभी लेने का तो प्लान है नहीं, मतलब लेंगे हम एक आध दिन में वापसी आएंगे लेने के लिए, क्योंकि हम ना सारे ऑफर्स वगैरह चेक करने के लिए गए थे अभी, तो ऑफर वगैरह काफ़ी भाई ने वहाँ पर हमें बता दिए शोरूम में, और काफ़ी बेटर था ऑफर, अच्छा लगा हमें, और देखेंगे यार अब एक या दो दिन में हम स्कूटी यहाँ पर यार परचेज करने आएंगे यार। तो यार स्कूटी परचेज करते वक्त भी आप सभी को दिखाएंगे जरूर यार अगले ब्लॉग में, तब तक यार चलते हैं एक बार सर्विस करवाने के लिए बाइक अपने साथी भाई की शॉप पर, एक बार मिलते हैं आपको शॉप के पास। गाइस यहाँ पे हमको अपनी बाइक सर्विस करवानी है, ऑलमोस्ट हम पास में आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैफिक है तो दिक्कत हो रही है, रुकना पड़ रहा है यहाँ पे यार, कोई बात नहीं। बाकी यहाँ से अपन को राइट लेना है और सॉरी लेफ्ट लेना है, राइट नहीं, तो लेफ्ट लेके थोड़ा सा पास में ही है उस बंदे की शॉप, सादिक भाई की, जिसने हमारी बात हुई थी। तो जैसे यार आगे से ट्रक हट जाता है देन उसके बाद फिर निकालते हैं भाई, वो भाई कोशिश तो कर रहा है स्कूटी निकालने की, देखा मैंने कहा था ना निकल जाएगी। बाइक
बाइक नहीं निकल पाएगी यार, स्कूटी निकल जाएगी। बाइक नहीं निकलेगी, इसका हैंडल बड़ा होता है ना इसलिए। ओह भाई अंकल जी ना बाइक निकालने की कोशिश कर रहे, स्कूटी वाला तो निकाल के ले गया। चलो कोई बात नहीं यार, थोड़ा सा वेट कर लेते, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ट्रैफिक देख रहे हो भाई, इस तरह से ट्रक की वजह से ना इतना ट्रैफिक लग गया। ये थोड़ा सा भी आगे हो जाएगा तो निकल जाएगी। क्या अंकल जी, चलो भाई रास्ता मिल भाई, बच गया यार, ट्रक पलट गया था भाई सभी तो यार, भाई बच गया यार उधर के बंदे यार, ट्रक पलटने वाला था भाई। तो भाई ट्रैफिक तो खुल चुका है फाइनली और हम आगे आ गए, और चलते गए आगे की तरफ। वैसे दुकान तो पास में है भाई, अपना भाई है वो बंदा, उसकी ना यार जो बंदा रिपेयरिंग करता है ना बाइक वगैरह, मेरे साथी भाई जिनसे मैं जा रहा हूँ सर्विस करवाने के लिए, दुकान मतलब छोटी दुकान है लेकिन काम बंदे ना क्या बोलूँ, ऑलमोस्ट सारा काम करता है बाइकों में, नॉर्मल बाइक से लेके स्पोर्ट्स सुपर बाइक तक सारे सारा काम आता है उस बंदे को यार, मतलब परफेक्ट है बंदा ट्रेंड। सॉरी बड़े भाई यार, उसकी साइकिल में टक्कर हो गई थी हल्की सी, मैं कहा सॉरी बोल दूँ ना, क्या पता मारे मेरे को, ये तो फटक फटक। कहाँ पर है भाई, कहाँ पर है, आ गया भाई, आ गया, आ गई दुकान, आ गई। तो भाई जी आ गया अपने सादिक भाई की दुकान, ये हमारे सादिक भाई मैकेनिक साहब, देखो नीचे बैठ के काम चल रहा है इनका, सभी अच्छे चाल है सादिक भाई। तो वैसे मिलते हैं यार, बाइक को साइड में लगाते कहीं पे, और थोड़ी सी देर में मिलते हैं आप सभी से, सर्विस करवा लेते हैं एक बार पहले बाइक को। तो गाइस काम चल रहा है अपनी गाड़ी का, देखो यार हमारे सादिक भाई लगे हुए हैं इसमें अभी, तो थोड़ा सा काम और बाकी है अभी। सादिक भाई हाई कर रहे हैं यार, सादिक भाई गाड़ी दूर जानी है, बीच में धोखा तो नहीं देगी ना भाई, लड़की थोड़ी है, धोखा देगी। पाव। क्या बात है यार। सो गाइस काम तो ऑलमोस्ट सर्विस वगैरह सब हो गया है, बस थोड़ा सा कपड़ा वगैरह मार रहे हैं भाई हमारे, ये छोटे कारीगर है इस दुकान के भाई, तो बस थोड़ा कपड़ा वपड़ा लगेगा गाइस, इसके बाद फिर निकलते हैं गाड़ी, गाड़ी लेके अपनी आगे की तरफ। सो गाइस फाइनल यार अपनी बाइक पूरी सर्विस हो चुकी है, देख सकते हो यार, क्या मतलब यार लाइटिंग देख रहे हो, हॉट लगती है इसकी लाइट मेरे को बहुत यार, बहुत ज़्यादा सेक्सी लगती है इसकी लाइटिंग मेरे को, गजब। तो भाई यार सादिक भाई को एक बार बाई कह देते हैं, सादिक भाई चलते हैं फिर, ठीक है मिलते हैं कभी अगली बार। डायलॉग बड़ा प्यारा था वैसे यार तुम्हारा, लड़की थोड़ी है जो धोखा देगी, ठीक है बड़े भाई मिलते हैं ना, ठीक है चलो ठीक है निकलते ना। तो भाई सादिक भाई को हमने बाइक कह दिया है यार, बाइक मतलब एक नंबर की बना दी इन्होंने सर्विस करके यार, अब बस इनको बाइक को वॉश करवानी है मेरे को, तो चलते यार यहाँ से आगे की तरफ। और तो भाई यार सर्विस करवाने के बाद ना मैंने सोचा क्यों ना आज ही सारे काम निपटा लिए जाए, तो भाई मैं अपनी बाइक के लिए रैपिंग करवाने के लिए सोच रहा था पूरी ब्लैक कलर की, मैंने आप सबको बताया था लास्ट व्लॉग में, और तो वहीं पर आ चुके हैं यार दुकान के पास, एक भाई हैं जानकार हैं बंदे जिनसे मैंने पहले अपनी बाइक का टायर चेंज करवाया था पिछले वाला, तो उन्हीं के पास आए हुए यार, वो बता रहे हैं एक शॉप है जो कि बढ़िया रैपिंग करते हैं बाइकों की, तो उन्हीं के पास आए हैं एक बार देखते हैं। और ये है गाइस वो शॉप देख लो, तो गाइस एक बार इनसे बात करते हैं यार, देखते हैं यार कैसी ये रैपिंग करते हैं और क्या क्या पार्ट रैप करेंगे बाइक का एक बार, तो एक बार इनसे कन्फर्म कर लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं, देन फिर देखते हैं आगे क्या प्लान होता है। तो गाइस यार जिस जिस काम से अपन बाहर गए थे यार ऑलमोस्ट सारे काम हो चुके हैं हमारे, बस रैपिंग का नहीं हुआ है, क्योंकि रैपिंग वाले से मेरी बात ही थी, वो कह रहे हैं टेप वगैरह भी है नहीं, दो से तीन दिन बाद आएगी, सो कोई इशू नहीं है गाइस। चलते यार इस व्लॉग को यहीं पे यार एंड करते हैं, अदरवाइज ये व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा गाइस, और मिलते हैं आपसे एक प्यारे से व्लॉग में अगले, और प्यारे से राइड पे अगले व्लॉग में कुछ नया लेके आने वाला हूँ मैं गाइस आपके लिए, ठीक है, और इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, अदरवाइज ये व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। होप करता हूँ गाइस आपको ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, सो गाइस
like this video and comment and share and subscribe to my YouTube channel and press the bell icon ताकि आप next update कभी miss ना कर पाएं guys. तो आज इस vlog को यहीं पे end करते हैं, तब तक के लिए tada bye.